हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 8 है और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेजर्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। और बाउचर को हमने पिछले वीडियो में नहीं कंप्लीट किया था, इसको हम इस वीडियो में भी नहीं कंप्लीट करेंगे। जब हम सारे ग्रुप्स को एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे तब हम जानेंगे कि बाउचर्स क्या होते हैं और एक क्वेश्चन से हम बाउचर को किस तरीके से निकालते हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन से लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर क्या होते हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक में कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि ग्रुप्स क्या होते हैं और एक क्वेश्चन में ग्रुप्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ग्रुप्स के बारे में बिल्कुल कंप्लीट किया था कि ग्रुप्स क्या हैं और ग्रुप्स का इस्तेमाल हम टैली में किस लिए करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो पहले से ही आप लोगों को मिलेगा और इस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में बिल्कुल कंप्लीट किया है, क्योंकि जब आप लोग इसके पीछे का वीडियो देखोगे जिसमें हमने लेजर और ग्रुप्स के बारे में कंप्लीट किया है तब आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल बेसिक में पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे ग्रुप्स होते हैं टैली में, टोटल ग्रुप्स हमारे 28 होते हैं जिसमें से प्राइमरी ग्रुप हमारे होते हैं 15 और जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं ये हमारे 13 ग्रुप होते हैं। तो हम इस वीडियो में प्राइमरी ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे 15 ग्रुप हैं। और पिछले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में जाना ही था कि ग्रुप क्या है और टैली में हम ग्रुप का किस लिए यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली, यानी कि जो टैली के प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि इस वीडियो में हम प्राइमरी ग्रुप के बारे में जानेंगे एक एक करके, क्योंकि जो प्राइमरी ग्रुप की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जो हमारे प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं इनका यूज हम टैली में किस लिए करते हैं और किस ग्रुप का यूज हम कहाँ पर करेंगे, यानी कि एक एक ग्रुप के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग टैली सीख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जब हम टैली में कोई भी काम करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि टैली में जब हम कोई भी काम करते हैं तो इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में से कोई ना कोई एक ग्रुप यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी ग्रुप के बारे में जानते हैं कि जो टैली में प्राइमरी ग्रुप हैं इसमें से सबसे पहला हमारा कैपिटल अकाउंट आता है। अब यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल लिस्ट दी गई है, यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की भी लिस्ट है और नीचे यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप की भी लिस्ट है, और इन सभी ग्रुप के बारे में नीचे एक एक एक्सप्लेन किया गया है कि कैपिटल अकाउंट क्या है, लोन्स लायबिलिटीज क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप सबसे पहला हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा कि कैपिटल अकाउंट क्या है। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ पर कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर हमने ये बताया था कि जो टैली में जब हम कोई भी एंट्री करते हैं और वहाँ पर जो बिजनेस का ऑनर होता है, बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में जब कोई भी पैसा लगाए या अपने बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तब हम वहाँ पर उस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं और वहाँ पर वही क्वेश्चन होता है जहाँ पर बिजनेस के ऑनर को शामिल किया जाता है। क्योंकि हमने कहीं पर ये भी बताया था कि जब हम टैली में कोई भी एंट्री करते हैं वहाँ पर हमें बिजनेस के ऑनर को नहीं शामिल करना होता, लेकिन कुछ ऐसी एंट्रियाँ भी होती हैं जहाँ पर हमें बिजनेस के ऑनर को शामिल करना होता है, ये हमने बताया था और वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको हम आगे बताएंगे कि कहाँ पर हमें बिजनेस के ऑनर को एंट्री में शामिल करना होता है। बिजनेस के ऑनर को एंट्री में हम वहाँ पर शामिल करते हैं जब बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है या अपने बिजनेस से पैसा निकालता है, तब वहाँ पर हम बिजनेस के ऑनर को शामिल करते हैं। यानी कि जो बिजनेस का ऑनर होता है, अपने बिजनेस में पैसा लगाता है और पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जब पैसा निकालेगा तो हम वहाँ पर बिजनेस के ऑनर को उस अकाउंट में शामिल करते हैं। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ये कहता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी
कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और टैली में जब हम इसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं, और पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में लगाई गई पूंजी को हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर वर्मा ने एक बिजनेस 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया, यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए से, यानी कि 3 लाख रुपए से मिस्टर वर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है वो एक पूंजी है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 लाख रुपए की पूंजी अपने बिजनेस में लगाई। तो इस बिजनेस में क्या होगा, इस बिजनेस में सबसे पहला यहाँ पर कैश होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 अकाउंट आएंगे, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अकाउंट आएगा कैश का और दूसरा अकाउंट हमारा आएगा मिस्टर वर्मा का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिस्टर वर्मा हैं उनको मान लीजिए हम हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझिए वो हम हैं, और हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो जो पैसा है, पैसा किसको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बिजनेस को, पैसा किसको मिल रहा है, तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अकाउंट आएगा हमारा कैश का, और बिजनेस को पैसा कौन दे रहे हैं, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अकाउंट कैश का आएगा और एक अकाउंट मिस्टर वर्मा का आएगा, और जो कैश होगा कैश को हम डेबिट में रखेंगे, और जो मिस्टर वर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझ जाइएगा मिस्टर वर्मा है, मिस्टर वर्मा को हम क्रेडिट में रखेंगे, क्योंकि जो बिजनेस है बिजनेस को पैसा प्राप्त हो रहा है, और जो मिस्टर वर्मा है मिस्टर वर्मा देने वाले हैं बिजनेस को। अब यहाँ पर कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और मिस्टर वर्मा एक व्यक्ति हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, और ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि पाने वाले को डेबिट में और देने वाले को क्रेडिट में रखा जाएगा। तो मिस्टर वर्मा क्या है, मिस्टर वर्मा बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, इसलिए मिस्टर वर्मा को क्रेडिट में रखा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बल्कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट में रखना होता है, यानी कि अंडर में हम कैपिटल अकाउंट रखेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखेंगे तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है लोन्स लायबिलिटीज, यानी कि जो लोन्स लायबिलिटीज है ये भी हमारा एक प्रकार का ग्रुप है जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पर लोन्स लायबिलिटीज है, लोन्स लायबिलिटीज का यूज हम वहाँ पर करते हैं, मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है हम अपने बिजनेस के लिए किसी से लोन लेते हैं। अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हम लोन्स लायबिलिटीज में रखेंगे, अगर हम किसी व्यक्ति से उस बिजनेस में पैसा उधार लेंगे यानी कि बिजनेस के लिए पैसा उधार लेंगे तो हम लोन्स लायबिलिटीज के अंदर रखेंगे, और जब हम सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोन्स लायबिलिटीज का यूज कुछ और भी है, उसको हम देख लेंगे जो इसके बाद हमारा वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम सेकेंडरी ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे। तो लोन्स लायबिलिटीज जो हमारा ग्रुप है, जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन्स लायबिलिटीज में रखते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि लोन्स लायबिलिटीज जो हमारा ग्रुप है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो लोन्स लायबिलिटीज ग्रुप का यूज जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन्स लायबिलिटीज में रखा जाता है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे, चाहे हम कोई छोटा बिजनेस ओपन करें चाहे बड़ा बिजनेस ओपन करें, उस बिजनेस के लिए अगर हमारे पास पैसा कम पड़ेगा तो हम बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से लोन लेंगे, तो वहाँ पर हमें वही चीज़ रखनी होती है कि जो पैसा हमने लिया उस पैसा को हम लोन्स लायबिलिटीज ग्रुप में रखेंगे। ये हमें टैली को बताना होगा कि हमने अपने बिजनेस के लिए जो पैसा लिया है वो लोन लिया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि लोन्स लायबिलिटीज क्या हैं। फिर इसके बाद सेकेंड है हमारा करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब है
चालू दायित्व। करंट का मतलब चालू, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। तो यहाँ पर जो लॉन्स लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज है, यही दोनों हमारे ग्रुप ही हैं। मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो जो लोन हम लेंगे वो हमारा लंबे समय तक चलेगा। मान लीजिए बैंक से हमने लोन लिया तो 1-2 साल का होगा। अगर किसी व्यक्ति से भी हम लोन लेते हैं तो लोन हमारा लंबे समय तक चलता है। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम जो उधार पैसा लेंगे, उधार ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 या 2 मंथ का ही लेंगे, क्योंकि उधार हमारा लंबे समय तक नहीं चलता। तो आप लोग लोन्स और उधार में ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि लोन्स जो हम लेंगे, लोन्स हमारा लंबे समय तक होता है, और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उधार हमारा कम समय तक होता है। तो यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज ग्रुप ये कहता है कि जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, यानी कि हम अपने बिजनेस में किसी से कम समय के लिए कोई उधार लेते हैं, तो इस प्रकार के अकाउंट करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए हमने एक बिजनेस ओपन किया और उस बिजनेस में हमने राम से पैसा उधार लिया, तो राम से अगर पैसा उधार लिया है तो हम करंट लायबिलिटीज ग्रुप में रखेंगे, और करंट लायबिलिटीज ग्रुप जो है ये सेकेंडरी ग्रुप में भी आता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोग ये सारे ग्रुप और अच्छे से समझोगे, क्योंकि वहाँ पर हम इन सभी का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्तियाँ, आप लोग ये समझते होंगे, और इसको हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जब हम लेजर और वहाँ पे लेजर और ग्रुप को समझ रहे थे, तब हमने बताया था कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट दिया है, फिक्स्ड एसेट का मतलब है स्थायी संपत्तियाँ। मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियाँ खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर, और इन संपत्तियों का हम आसानी से लेन देन नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के अकाउंट को फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर जो खरीदेंगे वो हमारी स्थायी संपत्ति है। क्या है? कंप्यूटर हमारी स्थायी संपत्ति है। अगर हम अपने बिजनेस के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो मोबाइल फ़ोन भी हमारा स्थायी संपत्ति होगा। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो वो भी हमारा स्थायी संपत्ति होगा। और जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम एक बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो उसको हमें फिक्स्ड एसेट ग्रुप में रखना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट है, जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, इट्स। यानी कि जो हमारा बिजनेस है, मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में जो भी पैसा है उस पैसे को हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि जब हम पैसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, या फिर हमने अपने पैसे से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, तो ये सारे क्या हैं? जब हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे तो शेयर जब महंगे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बिजनेस को लाभ होगा, यानी कि बिजनेस के पैसे में बढ़ेंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा। तो यहीं पर ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं, यानी कि जो बिजनेस का पैसा होगा, बिजनेस के पैसे को जब हम कहीं पर निवेश करते हैं तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड। तो आप लोग 5 नंबर जो ग्रुप है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है करंट एसेट। यहाँ पर हमने एक पढ़ा था भी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का मतलब स्थायी संपत्तियाँ, और करंट एसेट का मतलब होता है ऐसी संपत्तियाँ जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट एसेट में रखते हैं। मान लीजिए अब करंट एसेट में हमारा कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, तो ये सारी स्थायी संपत्तियां हैं, यानी कि जिनका लेन देन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पैसा आज हमारे पास है और कल किसी दूसरे के पास पैसा हमारा होगा, तो ये क्या है?
करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में स्थायी संपत्तियां होती हैं, वह क्या होती हैं, वह हमारी फिक्स्ड होती हैं, यानी कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ गया। अब हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया है तो क्या हुआ, हमारे बिजनेस के लिए कंप्यूटर फिक्स्ड हो गया, तो क्या हुआ, संपत्ति हुई। इसी तरीके से पैसा भी हमारे बिजनेस में आता है, वो भी हमारी संपत्ति है, लेकिन वो हमारी चालू संपत्ति होगी, क्योंकि पैसा आज हमारे बिजनेस में है, कल दूसरे बिजनेस के पास पैसा होगा, इसीलिए हम करंट एसेट के अंतर्गत चालू संपत्तियों को रखते हैं, जिनको स्थायी संपत्ति कहा जाता है। तो करंट एसेट समझ गए होंगे, करंट एसेट ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट एसेट में रखते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है मिसलोनियस एक्सपेंसेस असेस्ट। यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी का लोगो, स्टाम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। ये क्या है, ये हमारे मिसलोनियस एक्सपेंसेस असेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में कोई छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए हमने अपना लोगो बनवाया, स्टाम्प ड्यूटीज बनवाया, वेबसाइट बनवाई, डोमेन खरीदा, तो ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब इन्हीं जो लोगो है, लोगो से भी हमारा इनकम होता है, यानी कि असेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमने एक कंपनी ओपन की और उस कंपनी के लिए हमने एक लोगो बनवाया, जो हमने वहाँ पे लोगो बनवाया है, अब हमारी कंपनी प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई, तो क्या होगा, जो हमारा लोगो होगा, हमारे लोगों का प्राइस भी महंगा होगा। जैसे कि मान लीजिए जो रिलायंस है, या फिर इसी तरीके से बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके लोगो जो होते हैं, इनके लोगो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो इसीलिए जब हमारे बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो हमारे मिसलोनियस एक्सपेंसेस असेस्ट में आते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब इन सभी ग्रुप को हम एक एक करके वहां पर भी एक्सप्लेन कर देंगे, जब हम इनका प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, तब आप लोग इन सभी को अच्छे से समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट हमारा है सस्पेंस अकाउंट है। कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है, तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यानी कि जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है, मान लीजिए टैली में जब हम कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जिनको हम टैली में करना भूल जाते हैं, वहाँ पर अमाउंट हमारा कम ज़्यादा आता है, लेकिन हम वहाँ पर याद नहीं होता, तो उनको हम सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा, फिर जब याद आ जाएगा तो उनको हम टैली में एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि सस्पेंस अकाउंट, कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है, तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में हम डाल देते हैं। तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन क्या होता है, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर हेड ऑफिस है और इस हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो यहाँ पर जो बहुत सारी ब्रांचें हैं, अब इनके जो हम अकाउंट बनाएंगे, उनको हमें ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत रखना होता है। यहाँ पर यही बताया गया कि मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। मान लीजिए जो एक कंपनी है, यानी कि एक कंपनी यहाँ पर ओपन हुई, ये हमारी मेन कंपनी है। अब इस मेन कंपनी के भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, तो इनके जब खाते बनते हैं, यानी कि मेन कंपनी है और इस मेन कंपनी के भी यहाँ पर अलग अलग खाते हैं, और इन खातों को हम ब्रांच डिवीजन में ही रखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ब्रांच डिवीजन क्या होता है, और यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हों कि इनका हम यूज कैसे करेंगे। परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी यूज करना नहीं पता चला। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, यानी कि इन सभी का जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे कि इनका यूज हम किस तरीके से देखेंगे। इसीलिए अगर आप लोग टैली सीख रहे हो, तो टैली की एक भी वीडियो को मिस मत करना। अगर एक भी वीडियो मिस करोगे, तो वहाँ पर आप लोग दूसरे वीडियो में कन्फ्यूज
कंफ्यूज जरूर हो जाओगे कि इसका यूज किस लिए किया गया। इसीलिए आप लोग हमारी सारी वीडियो जरूर देखना, तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि टैली का यूज हम किस लिए और इसमें जो भी हमारे ग्रुप हैं उनका यूज हम किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रांच डिविजन भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, नेक्स्ट सेल्स अकाउंट है और एक है हमारा परचेस अकाउंट। अब सेल्स और परचेस का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, परचेस का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। यानी कि अगर हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे हम परचेस अकाउंट में रखते हैं। और सेल अकाउंट क्या कहता है, जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो उस अकाउंट को सेल अकाउंट में रखते हैं। यानी कि जो हमारा बिजनेस है हम अपने बिजनेस में गुड्स यानी कि माल या फिर सर्विस को बेचेंगे, किसी को बेचेंगे तो उसको हम सेल्स अकाउंट में रखेंगे। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट है, आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमारा परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट ये कहता है कि जब हम गुड्स को यानी कि माल को सेल करने के लिए खरीदते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक बिजनेस है उस बिजनेस में हमने गुड्स को यानी कि गुड्स का मतलब होता है माल, माल को सेल करने के लिए यानी कि सेल का मतलब बेचना, माल को बेचने के लिए हम खरीदते हैं तो उसे परचेस अकाउंट में रखते हैं। तो आप लोग सेल्स और परचेस दोनों समझ गए होंगे कि सेल्स अकाउंट क्या है और परचेस अकाउंट क्या है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती हैं, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम क्या है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं जैसे डिस्काउंट, कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम में हम इन्हें रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा एक स्कूल है, हमारा एक स्कूल है और उस स्कूल में जो हमारी आय है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं अपनी फीस जमा करते हैं, तो वो हमारी क्या हुई, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी क्योंकि हमारी जो आय है वो स्टूडेंट के माध्यम से हो रही है। अगर यही चीज़ मान लीजिए हमने किसी का सर्टिफिकेट बनवाया, किसी का हमने सर्टिफिकेट बनाया या बनवाया, उस सर्टिफिकेट में जो हमको कमीशन मिलेगा, या हम मान लीजिए उस सर्टिफिकेट से हमको कोई कमीशन मिला, या फिर मान लीजिए हमने कोई सामान बेचा है, हमने कोई सामान बेचा उस सामान में जो हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो ये सब क्या होंगे, डिस्काउंट, कमीशन, ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आएंगे। और जो डायरेक्ट इनकम होगी ये हमारी प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं उनको हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम भी समझ गए होंगे कि ये हमारी क्या होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट खर्चे, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ऐसे खर्चे जिनके वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ETC तरह के अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। यानी कि कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, इस तरह के जो अकाउंट होंगे उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह खर्चे होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा ही होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग भी जानते होंगे, इनको भी हमने एग्जांपल के सही देखा था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम रेंट देंगे, सैलरी देंगे, डिस्काउंट देंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, रेंट एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में हमने रेंट दिया, यानी जो हमने ऑफिस खोला है उसका हमने रेंट दिया, हमने सैलरी दी यानी कि उस बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसकी हमने सैलरी दी, डिस्काउंट दिया, स्टेशनरी आइटम खरीदा, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे खर्चे होते हैं। तो इस तरीके के जो खर्चे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने टोटल 15 ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है और ये जो 15 ग्रुप हैं ये हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप में आता है, इसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल प्राइमरी ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है कि प्राइमरी ग्रुप क्या हैं और इनका यूज हम किस लिए करते हैं। हो सकता है आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को ना समझ में आई हों, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं,
जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जानेंगे सेकेंडरी ग्रुप को कि सेकेंडरी ग्रुप क्या है और इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, यानी कि हम अगले वीडियो में सेकेंडरी ग्रुप को जानेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।